नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई की खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेडिएशन तकनीक से विकसित होंगी उन्नत किस्म, पशुओं का समय पर हो सकेगा इलाज, बिहार में लॉन्च होगा चौथा कृषि रोड मैप, हजारों अपात्र ले रहे पीएम किसान योजना का लाभ और ऊंट पालकों को मिल रहे 10,000 रूपए। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एग्रीकल्चर खुलने जा रहा है। इस केंद्र में रेडिएशन की मदद से उन्नत किस्में तैयार की जाएंगी। ये जानकारी भाभा एटोमिक्स रिसर्च सेंटर के निदेशक हेल्थ सेफ्टी व एनवायरमेंट ग्रुप के डॉक्टर डीके असवाल ने दी। उन्होंने बताया कि रेडिएशन शरीर के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि उन्नत खेती में ये वरदान साबित हो सकती हैं और इस रेडिएशन की सहायता से अब तक फल सब्जियों की 60 से अधिक उन्नत किस्में तैयार की जा चुकी हैं। तो वहीं रेडिएशन की मदद से यूएन के फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 3,000 से ज्यादा प्रजातियां विकसित की हैं। पिछले साल लंबी स्किन डिसीज के कारण पशुओं की बड़े स्तर पर मौत हुई थी। इसके अलावा कई अन्य गंभीर बीमारियों के चलते भी पशुओं की मौत हो जाती है। आने वाले समय में दुधारू पशुओं को गंभीर बीमारियों से जल्द बचाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने मार्च तक उत्तर प्रदेश को 500 एम्बुलेंस देने का फैसला किया है। इस एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने के बाद पशुओं को बिना किसी देरी के वेटनरी हॉस्पिटल भेजा जा सकेगा, इससे उनकी जान बच पाएगी। बता दें कि पशु एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों में शुरू की जा चुकी है। बिहार सरकार 1 अप्रैल को राज्य का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करेगी। इस रोड मैप की अवधि 5 साल यानी कि साल 2023 से 28 तक रहेगी। इस कृषि रोड मैप में पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी, फसल विविधीकरण, उच्च खाद्यान्न उत्पादन, बेहतर कृषि विपणन समेत अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग 21 फरवरी को पटना में एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन में किसानों से रोड मैप में प्राथमिकताओं को शामिल करने और शामिल न करने के पहलुओं के बारे में प्रतिक्रिया ली जाएगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से इस बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। किसानों और गरीबों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका लाभ लेकर कई लोगों की जिंदगी बदल गई है, लेकिन कई अपात्र लोग भी हैं जो इन योजनाओं का लाभ लेते हैं। सरकार लगातार इन अपात्र लोगों की पहचान कर इन पर कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। इसमें लगभग 17,000 अपात्र किसानों ने करीबन 25 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था, जो अब बढ़कर 43 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और ये राशि 53,000 किसानों ने फर्जी तरीके से पंजीयन कर हासिल की है। ऐसे में अपात्र किसानों की वसूली का नोटिस विभाग ने जारी किया है। राशि वापस ना करने पर किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार ऊष्ट्र संरक्षण योजना चला रही है। इसके तहत तोड़ियों के जन्म पर ऊंट पालकों को 5,000 की दो किस्मों में 10,000 रूपए मिल जाते हैं। योजना के तहत ऊंट पालक 1 नवंबर या उसके बाद जन्मे टोड़ियों का 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब वेबसाइट www.pashushad.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि पशुपालन विभाग के द्वारा सत्यापन के बाद ये राशि खातों में भेजी जाती है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको हमारे ये बुलेटिन, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।